जरा सोचोगे क्या हो जब आपके पीछे एक ऐसा डीमन पड़ जाए जो आपको रात दिन टॉर्चर करके आपको मजबूर कर दे खुद को मारने पर। इस कहानी में भी हमें कुछ ऐसा ही दिखाया जाता है। कहानी की शुरुआत में हम रोज नाम की एक लड़की को देखते हैं, जो कि एक साइकोथेरेपिस्ट होती है, यानी कि पागल लोगों की डॉक्टर होती है। वो अपने एक मरीज के पास जाती है जिसका नाम कार्ल होता है और सिर्फ एक ही शब्द दोहराता रहता है, सब लोग मरेंगे। कार्ल को देखने के बाद अब रोज अपने घर जा ही रही होती है, तभी उसके पास एक लॉरा नाम की लड़की का केस आता है। लॉरा की फाइल को पढ़ने के बाद रोज को ये पता चलता है लॉरा पहले से पागल नहीं थी, लेकिन कुछ दिनों पहले लॉरा के बॉस ने लॉरा के ही सामने खुद को हथौड़ा मारकर सुसाइड कर ली थी। बी से लॉरा पागल हो गई थी। रोज लॉरा को चेक करने के लिए जाती है, जहाँ पर वो देखती है कि लॉरा काफी ज्यादा डरी हुई है। लॉरा रोज को बताती है कि एक डीमन उसके पीछे पड़ा हुआ है, जो कि उसे देखकर एक क्रीपी स्माइल करता है और अलग अलग लोगों के भेस में आकर उसे डराता है, जिस पर रोज लॉरा से कहती है कि ये बस तुम्हारी इमेजिनेशन है। लेकिन लॉरा कहती है कि मैं कोई पागल नहीं हूँ और मुझे पता है कि मैं क्या कह रही हूँ। रोज लॉरा को समझा ही रही होती है कि तभी लॉरा को वो डीमन दिखने लगता है, तो वो काफी ज्यादा घबरा जाती है। रोज जल्दी से जाकर स्टाफ को हेल्प के लिए कॉल करती है, और जब रोज पीछे मुड़ती है वो देखती है कि लॉरा अब खड़ी हो गई है और वो एक डरावनी सी क्रीपी स्माइल देते हुए कांच के टुकड़े से अपने गले को काटते हुए सुसाइड कर लेती है। ये सब होने के बाद रोज अपने घर आ जाती है, लेकिन लॉरा उसे वही क्रीपी स्माइल करते हुए अपने घर में भी दिखाई देती है। इसे देखकर रोज काफी डर जाती है। अब अगले दिन रोज हॉस्पिटल में आके लॉरा के बारे में इन्वेस्टिगेशन करती है, जहाँ पर उसे पता चलता है कि लॉरा के बॉस ने अपने आप को एक हथौड़े से मारकर खुद सुसाइड कर लिया था, और मरते टाइम उसके बॉस के फेस पर भी वही क्रीपी स्माइल थी। इसके बाद जब रोज फोन पर बात करते हुए विंडो से बाहर देखती है, वो नीचे से कोई उसे ही देख रहा था। इस चीज को इग्नोर कर जब वो बाहर जाती है तो कार्ल भी उसे वही क्रीपी स्माइल करते हुए दिखता है, और जब वो कार्ल के पास जाती है तो कार्ल उससे कहता है कि तुम वाली हो, जिसे सुनकर रोज डर जाती है और स्टाफ को बुला लेती है। तो वो लोग आकर देखते हैं कि कार्ल तो सोया हुआ है, यानी कि अब रोज को भी इल्यूजन्स आने लगे थे। अब अगले दिन रोज अपनी दोस्त हॉली के बेटे के बर्थडे में पहुंचती है, लेकिन यहाँ पर भी उसे कुछ अच्छा नहीं लग रहा था। इसके बाद जब हॉली का बेटा रोज के गिफ्ट को खोलता है तो उसमें रोज की बिल्ली की डेड बॉडी निकलती है, जिसे देखकर सब लोग बुरी तरह से डर जाते हैं। और तभी रोज को एक लेडी क्रीपी सी स्माइल करते हुए दिखाई देती है और रोज उस पर चिल्लाने लगती है, और वो अपना कंट्रोल खोकर एक ग्लास के टेबल पर गिर जाती है, इसकी वजह से उसके हाथ पूरी तरह से कट जाते हैं। इसके बाद रोज को हॉस्पिटल में ले जाया जाता है, जहाँ पर रोज का ट्रीटमेंट करवाकर रोज का हस्बैंड ट्रेवर उसे घर ले आता है। रोज ट्रेवर को बताती है जो लॉरा के साथ हुआ था वही मेरे साथ हो रहा है, मुझे लगा था कि लॉरा दिमागी रूप से ठीक नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं था, बल्कि उस डीमन ने ही लॉरा को पजेस कर रखा था और उसी ने उसकी जान ली है, और अब लॉरा का कर्ज लॉरा के बाद मुझे मिल गया है। लेकिन ट्रेवर उस पर यकीन नहीं करता, उसे लगता है कि रोज ने अपना दिमागी संतुलन खो दिया है। इसके बाद अगले दिन रोज लॉरा के बॉस के घर जाती है, जहाँ पर रोज उनकी वाइफ से मिलती है और वो उनसे पूछती है कि आखिर उनकी डेथ कैसे हुई थी। तभी बॉस की वाइफ बताती है कि पहले तो वो बिल्कुल ठीक थे, लेकिन फिर वो अचानक से कुछ अजीब सा बिहेव करने लगे, उन्हें अजीब चीजें दिखाई देने लगी और उन्होंने उसे ड्रॉ भी किया था। अब वो रोज को उनके रूम में ले जाती है, जहाँ पर बहुत सारी ड्राइंग थी, लेकिन उन ड्राइंग में सिर्फ एक चीज कॉमन थी, वो क्रीपी स्माइल। रोज उनसे पूछती है कि वो ऐसा कब से करने लगे थे, जिस पर बॉस की वाइफ बताती है कि वो एक कॉन्फ्रेंस में गए थे जहाँ पर एक लेडी ने खुद सुसाइड कर ली थी, तब से ही ये सारी अजीब चीजें उनके साथ होने लगी। तब रोज उनसे कहती है कि आपके पति पागल नहीं थे, बल्कि ये सब रियल है। ये कहकर रोज वहाँ से चली जाती है, और जैसे ही आकर अपनी कार में बैठती है तो वो डीमन फिर से रोज को डरा देता है। अब रोज इस चीज से काफी ज्यादा तंग आ गई थी, तो वो अपनी माँ के पुराने वाले घर में चली जाती है। अब रोज जैसे ही घर के अंदर आती है तो उसे अपनी माँ दिखाई देती है, और वो रोज से कहती है कि मैं तुम्हारी वजह से मरी हूँ। दरअसल रोज की माँ ने दवाइयों का ओवरडोज ले लिया था, जिसकी वजह से उनकी मौत हो गई थी। इसी दौरान वो डीमन आकर रोज पर हमला कर देता है, और रोज
उसको अपना असली चेहरा दिखाता है। इसके बाद वो रोज का मुंह खोलकर उसकी बॉडी के अंदर चला जाता है। रोज के चिल्लाने की वजह से एक पड़ोसी घर के अंदर आ जाता है और वो देखता है कि रोज अपने आप पर पेट्रोल डाल रही है। और जब वो उसकी तरफ घूमती है तो उसके फेस पर वही डीमन वाली क्रीपी स्माइल होती है और अब वो उस पड़ोसी के सामने अपने आप को जलाकर मार लेती है। जिसके बाद अब वो कर्ज उस आदमी के पास आ जाता है और इसी के साथ इस मूवी का यही एंड हो जाता है। Thanks for watching. Like, comment and subscribe. Hurry up.